हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं हम एक बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में, जो कि है स्क्रीन रेक। इसकी खासियत में आपको सबसे पहले बता दूं कि इसकी खासियत क्या है कि ये विदाउट वाटरमार्क आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है और साथ ही में अनलिमिटेड टाइम के लिए आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है। आप इसमें कोई 5 मिनट की इस प्रकार की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। और एक और इसकी खासियत की बात करूं मैं, तो वो है कि आप इसमें बिना किसी एक और खासियत की बात करूं कि यह आपके सिस्टम के लिए सपोर्टेबल है। ये बहुत ही कम साइज में उपलब्ध है, जिसके कारण क्या करता है कि ये आपके सिस्टम को आसानी से सपोर्ट कर लेगा। इसमें कोई लैंग्वेज से नहीं आएगी, इसमें कोई डिले नहीं होगा। तो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, चलिए मैं इसको एक बार प्रूव भी करता हूँ आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर चल चलते हैं अपन, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है स्क्रीन रेक। तो मैं उस सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे जो आपको फर्स्ट लिंक दिखाई दे रही है फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, और यहाँ पे इसकी जो लिंक है वो HTTP स्क्रीन रेक, ये इस वाले पे ही आप क्लिक करें। तो इस पे क्लिक करने के बाद इसकी जो खासियत है उसके बारे में मैं आपको जो बता रहा था वो देख लीजिए। इसकी जो फर्स्ट खासियत की बात कर रहा था मैं, ये मतलब विद इन 60 सेकंड में ये स्टार्ट हो जाता है। ये आपके कंप्यूटर की ऑडियो को भी रिकॉर्ड करता है, आपकी वॉइस को भी रिकॉर्ड करेगा, साथ ही में आप इसके साथ आप वेबकैम को भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर फंक्शनलिटी है विदाउट वाटरमार्क की मैंने बात की थी, और लाइट वेट स्क्रीन रिकॉर्डर है जिसकी मैंने आपको बात की थी, बहुत ही कम साइज यानी 431 431 KB, नॉट MB, KB के अंदर ये इसका स्क्रीन रिकॉर्डर का साइज उपलब्ध है। तो बहुत ही कम साइज का ये आपका रहने वाला है, जो कि आपके सिस्टम को सपोर्ट करेगा। और ये क्लाउड टेक्नोलॉजी इसके अंदर उपलब्ध है कि आप 2 GB का फ्री डेटा आप यूज कर सकते हैं, क्लाउड के ऊपर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको डाउनलोड कैसे करें। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको फ्री डाउनलोड फ्री, इसको आप बिल्कुल बिल्कुल भी आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगा। और इसको इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करते हैं, जो सेम आप अदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसी प्रकार से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको इंस्टॉल करने की प्रोसेस भी बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और फिर ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए इसे यहाँ पे ये आ रहा है रिपेयर एप्लीकेशन टू वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीज आ रही है। तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी ये मेरे सिस्टम के अंदर पहले से ही इंस्टॉल है। अब चलते हैं अपन इसको यूज कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो आप जब आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लोगे, तो आपको स्क्रीन रेक से आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैं इनके बारे में एक बार आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो चल यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जिस भी जो भी आपको एरिया आपको स्क्रीनशॉट के लिए चूज करना है वो एरिया इस प्रकार से आप चूज कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने जितना एरिया चूज किया था इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो था फर्स्ट, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और दूसरा बार बात करता हूँ मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में, जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, और आपको जिस भी एरिया का आपको स्क्रीन का रिकॉर्ड करना है उस एरिया को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये 1 2 3 काउंट करेगा, और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए आप यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करेंगे, तो आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पे इसका प्रीव्यू आपको शो होने लग जाएगा। आपको अगर प्रीव्यू सही लगता है तो आप इसको आप इसके सिस्टम के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके क्लाउड में तो सेव रहेगा। चलिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये क्लिपबोर्ड है इसका, जिसके अंदर आपने जो भी रिकॉर्ड किया होता है, जो भी इमेजेस आपने रखी होती हैं, वो सारी यहाँ पे इसकी गैलरी में सेव होती हैं। और बात कर लेता हूँ मैं इसकी सेटिंग के बारे में। तो सेटिंग क्या है, यहाँ पे सेटिंग के बारे में बात करता हूँ मैं। तो किस प्रकार से आपको इसकी सेटिंग करनी होती है, मेन इंपॉर्टेंट ये बात है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं और कैमरा यूज कर सकते हैं यहाँ पे इसकी मदद से। यहाँ पे आप आपका माइक यूज कर सकते हैं, यहाँ माइक को ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे क्रॉस का निशान आ गया है तो ये चीजें वर्क नहीं कर रही, और इसको अनेबल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये डार्क हो जाएगा और ये वर्किंग में आ जाएगा। यहाँ पे आप सिस्टम साउंड को भी यूज कर सकते हैं, ये तीनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। आप HD HD और 4K इन सब में आपकी स्क्रीन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो शॉर्टकट है, यहाँ पे Alt+S शॉर्टकट आपका बाई डिफॉल्ट रहता है, तो इसकी मदद से आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था एक स्क्रीन रेक के बारे में, जो कि एक बेस्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर है, जो कि आपके जो सिस्टम है उसके लिए बेटर, आपका जो सिस्टम स्लो सिस्टम है या कम कॉन्फ़िगरेशन का आपका सिस्टम है तो उसके लिए बेटर है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें। और साथ ही में दोस्तों, आपके लिए शानदार सी न्यूज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कम्युनिटी स्टार्ट की है यूट्यूबर्स के लिए, जिसमें आपको उस कम्युनिटी के अंदर जुड़ने पर आपको आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे
बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। वहां पे सभी इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से की हेल्प करेंगे और एक दूसरे के इस हेल्प की मदद से अपने यूट्यूब को मोनेटाइज कराएंगे और यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके ऊपर आपको जुड़ना होगा। उस टेलीग्राम लिंक पे आपको जुड़ना होगा और वहां पे आप अपने वीडियोस को वहां शेयर कर सकते हैं। साथ ही में मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा जो कि आपके एक दूसरे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वॉच टाइम कंप्लीट कराने की भी कोशिश की जाएगी यहाँ पे। तो दोस्तों आप अवश्य से इस टेलीग्राम लिंक पे आप की मदद से आप जुड़ें और अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कराएं। धन्यवाद दोस्तों।